हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक छोटा सा रिव्यू एक गेम के ऊपर, इसका नाम है स्मिथ और ये बहुत छोटा सा रिव्यू होगा और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये एक स्मिथ गेम है, इसमें गॉड्स गेम है ये, तो बहुत सारे गॉड्स हैं और इसमें गॉड्स मिलकर लड़ते हैं। पर बात ये नहीं कि गॉड गेम है, इसमें दुनिया भर के अमेजिंग गॉड्स हैं जैसे, और इंडियन गॉड्स भी हैं बहुत सारे। और इंडियन गॉड्स का होना इसमें अच्छा या नहीं, सवाल इस चीज़ के ऊपर होता है। कई बार इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं लोग, पर सब बात बहुत कम होती है। इंडियन गॉड्स का भी ऐसी गेमों में होना अच्छा या नहीं, पर मैं अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं दोस्तों तो ये अच्छा है कि इंडियन गॉड्स के बारे में लोगों को जानने का मौका मिलता है गेम के थ्रू भी। और इंडियन गॉड्स के बारे में लोग जानेंगे तो ये अच्छी बात है, वो एक तरह से इंडिया को कनेक्ट करेगा कि लोग इंडियन गॉड्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, इंडियन गॉड्स की पावर एबिलिटीज़ एंड बहुत सी चीज़ें। हालांकि एक गेम में इतना सब कुछ नहीं बताया जाता, इतना कुछ डिटेल्स नहीं होती, पर थोड़ा बहुत होता है और उसके ज़रिए भी लोग इतनी से कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया को, और ये अच्छी बात है। हालांकि चीज़ इसमें भी कुछ है, क्योंकि ये गेम बहुत अच्छी है, अमेजिंग है। इंडियन गॉड्स के बारे में एबिलिटीज़ और इंडियन गॉड्स के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। पर फ्रेंड्स, बात इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि फ़ौरन में अगर कोई इंडिया को बुरा कमेंट करता है या फिर बुरी बातें करता है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आम तौर में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। या इंडियन मैथोलॉजी को भले ही नहीं जानते पर उसके बारे में कुछ भी कहना अच्छा नहीं होता। फिर मिलते हैं दोस्तों, उम्मीद है आप इससे कुछ अच्छा सीखे होंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।